हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर है एमोसीट लार्वा पर। प्रीवियस वीडियो में हमने पेट्रोमाइजोन स्टार्ट करा, जो जूलॉजी फर्स्ट पेपर का यूनिट सेकंड का टॉपिक है। एमोसीट लार्वा बेसिकली एक लार्वल स्टेज है प्रिमिटिव जॉलेस फिश की, जिसे हम कहते हैं लैम्प्रे या फिर पेट्रोमाइजोन। आज के लेक्चर में हम एमोसीट लार्वा की इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, प्लस इसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जर्नल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें तो द लार्वा स्टेज फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव लैम्प्रे इज नोन एज एमोसीट लार्वा। जो लार्वा स्टेज रहती है प्रिमिटिव लैम्प्रे की, उसे हम एमोसीट लार्वा के नाम से जाना जाता है। इट हैज़ मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ एशियंट कॉर्डेट्स एंड हैज़ सम प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्टिब्रेट्स। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज या गुण की बात करें तो जो पुराने कॉर्डेट्स हैं, जो एशियंट कॉर्डेट्स हैं, उनके जैसे प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। प्लस इसके अंदर जो कैरेक्टर्स फीचर्स हैं वो वर्टिब्रेट्स के भी पाए जाएंगे, जैसे डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम पाया जाएगा। हम कैसे कहें, जो तंत्रिका तंत्र है वो आदिम रूप से पाया जाता है। गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, नोटोकॉर्ड प्लस ब्रेन विथ आईज। तो ये सारे फीचर्स जो वर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं, सेम फीचर्स हमें एमोसीट लार्वा के अंदर दिखाई देंगे। दिस लार्वा इज एक्चुअली अ पेट्रोमाइजोन फिश। हम इस लार्वा को एक पेट्रोमाइजोन फिश के तौर पर भी समझ सकते हैं। पेट्रोमाइजोन इज रेदर अनप्लीजेंट एनिमल। इसकी जो लाइफ साइकिल है, इट इंक्लूड्स टू क्वाइट डिफरेंट फेजेस। इसकी लाइफ साइकिल के हम बात करें तो दो डिफरेंट फेजेस के तौर पर ये रहेगी। जो लार्वल फेज रहेगा उसे हम कहेंगे एमोसीट लार्वा, और वो फ्रेश वाटर, सीडेंट्री, फिल्टर फीडिंग और माइक्रोफेगस क्रीचर्स पाया जाएगा, लाइक दैट ऑफ लैंडस्लेड या फिर हम कह सकते हैं ब्रांचस टोमेटा जैसे। एडल्ट फिश, जो एमोसीट लार्वा की हम बात करें, जो एडल्ट फिश है वो लिव करेगी पानी के अंदर, सी के अंदर, एंड इज पैरासिटिक ऑन फिशेस। पैरासिटिक बिहेवियर शो करेगी फिशेस के ऊपर। तो ये जर्नलाइज एमोसीट लार्वा का हमने पढ़ा है कि जो लार्वल स्टेज है फॉर्मेशन की प्रिमिटिव लैम्प्रे की, उन्हें हम एमोसीट लार्वा के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, कि कैसे ये हैच होकर एमोसीट लार्वा बनेगा। तो पेट्रोमाइजोन के जो निषेचित अंडे, उनमें लगभग 3 सप्ताह के पश्चात एक पारदर्शी लार्वा उत्पन्न होता है। दो एग हैचेज इन अबाउट 3 वीक्स इनटू अ माइन्यूट ट्रांसपेरेंट लार्वी, उसे हम कहेंगे एमोसीट लार्वा। दिस एमोसीट लार्वा इट रेडली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। ये थोड़ा सा इसके जो कैरेक्टर्स फीचर्स कहते हैं वो पेरेंट्स से थोड़े जो एडल्ट हैं उनसे डिफर करेंगे। एट फर्स्ट दे आर अबाउट 7 mm इन लेंथ एंड दे स्टे इन द नेस्ट। लार्वा स्टार्टिंग में, अपन कह सकते हैं जो प्रारंभ में लार्वा की लगभग 7 mm लंबा पाया जाएगा, और जब वो 15 mm लंबा होता है तब वो क्या है, नेस्ट को छोड़ देगा, घोंसले को छोड़ देता है। और जब वो छोड़ देगा घोंसले को, देन इट बरोज इन मड एंड सैंड। ईच लार्वा कंस्ट्रक्ट एंड इनहिबिट्स अ वी या फिर यू शेप टनल। प्रत्येक लार्वा एक वी या फिर यू आकार का सुरंग का निर्माण करेगा। इसकी जो लार्वल अवस्था है जाति के अनुसार 3 से 7 वर्ष तक रहेगी। मतलब अपन कह सकते हैं जो लार्वल स्टेज रहती है स्पीशीज के अंदर, वो लगभग 3 to 7 years तक रहेगी। और इस अवधि के अंदर, मतलब इस ड्यूरेशन में, उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 170 mm बढ़ जाती है। और उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट से, पारदर्शी से अपारदर्शी हो जाता है। तो ये एक बेसिक जर्नलाइज्ड फीचर्स है जो एमोसीट लार्वा के पाए जाएंगे, कि जैसे ही पेट्रोमाइजोन का एग की हैचिंग होगी तो उसके 3 वीक्स, हैचिंग के 3 वीक्स बाद एक माइन्यूट ट्रांसपेरेंट लार्वा मिलेगा, जिसे हमने एमोसीट के नाम से जाना गया है। इसके कैरेक्टर फीचर्स पेरेंट्स से थोड़े, जो एडल्ट पेयर है उनसे थोड़े से डिफर करेंगे। प्रारंभ में लार्वा की जो लेंथ है वो 7 mm रहेगी, और वो नेस्ट के अंदर ही पाया जाएगा। बट जैसे ही उसकी लंबाई 15 mm लॉन्ग हो जाती है, दे क्विट द नेस्ट एंड दे बरो इन सैंड, और अपन कह सकते हैं इन मड। ईच लार्वा कंस्ट्रक्ट एंड इनहिबिट्स अ वी या फिर यू शेप टनल। ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये जो लार्वा है एमोसीट लार्वा, ये वी या फिर यू आकार की सुरंग का निर्माण करेगा। एंड लगभग 3 to 7 years इसके लार्वल ड्यूरेशन रहता है, लार्वल पीरियड रहता है। और उस लार्वल पीरियड में इसकी जो लेंथ है वो 170 mm लॉन्ग बढ़ जाती है, एंड इट चेंजेस इंटू पारदर्शी से अपारदर्शी, ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, एमोसीट लार्वा को एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट है बिटवीन सेफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स।
हम कह सकते हैं एक इंटरमीडिएट कड़ी है सेफेलोकॉर्डेट्स के और वर्टिब्रेट्स के बीच में। सेफेलोकॉर्डेट्स की हम बात करें तो हमने ब्रांचियोस्टोमेटा जो एम्फीऑक्सिस पढ़ा था, तो एम्फीऑक्सिस के भी कैरेक्टर्स, जो ब्रांचियोस्टोमेटा के भी कैरेक्टर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस एज इट इज़ प्रोबेबली रिप्रेजेंट्स द मोस्ट प्रिमिटिव एंड जर्नलाइज वर्टिब्रेट्स फॉर्म विच इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन सेफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। कैरेक्टर्स की बात करें तो उसकी जो बॉडी है वो ईल लाइक होगी, बट इट डिफर फ्रॉम द एडल्ट इन सेवरल रेस्पेक्ट। जैसे हमने बताया इट डिफर करेगा एडल्ट की फीचर से। इट हैज अ कंटिन्यूअस सिंगल मीडियन डॉर्सल फिन, एक मध्यवर्ती पश्त पक इसके अंदर पाए जाते हैं। ये ब्लाइंड रहेगा, टूथलेस रहता है एंड नॉन पैरासिटिक फिल्टर फीडर, मतलब ये दिखाई नहीं देता, इसे अंधे रहेंगे, दंतहीन, टूथलेस रहेंगे एंड अपर जीवी फिल्टर फीडर्स के तौर पर पाए जाते हैं। इनके जो पोषण के लिए मुख के चारों ओर ओरल हुड पाया जाएगा और मुख के नीचे निचला होड, मतलब हम डायग्राम में देखें तो माउथ हेड रीजन की बात करें तो आगे एक सेमी सर्कुलर ओरल हुड पाया जाता है। ओरल हुड के दोनों तरफ अपर एंड लोअर लिप्स पाए जाएंगे। इनके अंदर एक मीडियन नॉस्ट्रल्स भी पाई जाती है। रूडिमेंट्री आई इसके अंदर पाई जाएगी। हम कह सकते हैं एमोसीट में एक जोड़ी जो नेत्र है वो मोटी त्वचा के नीचे छिपे रहेंगे और ये यहाँ पे फंक्शन लेस है, ज़्यादा वर्क अपन नहीं कह सकते, इसलिए हमें रूडिमेंट्री आई बोली है इसमें। गिल स्लिट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, 7 pairs के गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। डॉर्सल फिन एंड कॉडल फिन पाई जाती है। कॉडल फिन टेल रीजन के अंदर कवर्ड पाई जाएगी। ट्रंक बॉडी जो डिविजिबल है, हम कह रहे हैं ट्रंक धड़ इसके अंदर पाई जाती है। उत्सर्जी अंग के तौर पे हम बात करें तो प्रोटोनेफ्रिया तरीके इसमें किडनी पाई जाएगी। हृदय को घेरे हुए पेरिकार्डियम गुहा, जो पेरिकार्डियम कैविटी है वो पाई जाती है, जो सीलोम से द्वारा जुड़ी रहेगी। तो एक जर्नलाइज्ड फीचर है, क्या अपन कह सकते हैं डायग्राम है जो एमोसीट लार्वा को शो कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की। तो इट हैज़ नो बकल फनल बट अ सेमी सर्कुलर अपर लिप या फिर ओरल हुड जो पाया जाता है अराउंड द माउथ, सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रांचियोस्टोमा। हमने पेट्रोमाइजोन का स्ट्रक्चर देखा था जहाँ पर बकल फनल पाया जा रहा था, बट यहाँ पर वो ऐसा नहीं है, ये एक सेमी सर्कुलर लिप पाया जाता है जिसे हम ओरल हुड के नाम से जान सकते हैं। वे फाउंड अराउंड द माउथ सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रांचियोस्टोमा। माउथ के अंदर इट ऑल्सो हैव अ ट्रांसफर लोअर लिप, इसके अंदर माउथ के नीचे की और निचला होट भी उपस्थित रहता है। इट इमर्जेस एट नाइट फ्रॉम इट्स बरो टू फीड ऑन द बॉटम कंटेनिंग यूनिसेलुलर एल्गी एंड बैक्टीरिया। का जो मेजर फूड की हम बात करें कि किस पर ये फीड करता है तो वो है एल्गी या फिर बैक्टीरिया। 7 pairs के इसमें ग्रिस्नी क्लोम पाए जाएंगे, पाउचेस पाई जाएगी एंड ईच विद इंटरनल गिल्सलेट, मतलब जो प्रत्येक गिल्सलेट्स की हम बात करें, प्रत्येक अंदर की और आंतरिक गिल छिद्र द्वारा ग्रसनी में खुलते हैं। तो ये जो गिल पाउचेस हैं 7 pairs के इसके अंदर पाए जाएंगे। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है जो उसको डिफर करता है ब्रांचियोस्टोमेटा से, कि इसके अंदर जो वाटर सर्कुलेशन है बेसिकली वो मस्कुलर एक्टिविटी द्वारा हो रहा है, नॉट बाय दी सीलरी एक्टिविटी। हमने ब्रांचियोस्टोमेटा पढ़ा था तो वहाँ पर जो वाटर का सर्कुलेशन हो रहा था वो सीलिया की मदद से हो रहा था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मस्कुलर एक्टिविटी के थ्रू वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में। वो कैसे हो रहा है कि इसके अंदर जो ब्रैंकियल बास्केट पाए जा रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं फेरिंजियल वॉल, अल्टरनेटली एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। जो ब्रैंकियल बास्केट है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं एंड इट ड्रॉइंग वाटर थ्रू द माउथ इन टू द फेरिंग्स, और वो पानी को माउथ से फेरिंग्स के अंदर डालेंगे और ये जो फेरिंग्स है जो ग्रसनी की हम बात कर रहे हैं, इट पम्प्स आउट थ्रू एक्सटर्नल गिल्सलेट, ये पानी को बाहर गिल्सलेट एक्सटर्नल गिल्सलेट से बाहर की तरफ डाल देगा। तो ये एक तरीके का मस्कुलर एक्टिविटी शो कर रहा है एमोसीट लार्वा में, और ब्रांचियोस्टोमेटा में अगर हमने देखा है तो वहाँ पर सीलरी एक्टिविटी है, तो ये थोड़ा इसके अंदर चेंजेस पाए जाते हैं। इसके अंदर एक वेलम पाया जाएगा विच इज मेड अप ऑफ पेयर मस्कुलर फ्लैप्स, रेगुलेट द एंट्री ऑफ वाटर करंट इनटू द फेरिंग्स। वेलम पाया जाएगा, वो मेड अप ऑफ होता है मस्कुलर फ्लैप से, रेगुलेट द एंट्री ऑफ वाटर करंट इनटू द फेरिंग्स विच इज कंटिन्यूस पोस्टीरियरली इनटू द ईसोफेगस। हम डायग्राम में देखें तो
वेलम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने मार्क भी करा है, एंडोस्टाइल के जस्ट ऊपर पाया जा रहा है। ये बेसिकली मस्कुलर फ्लैप्स इसके अंदर पाए जाएंगे, जो पानी को मूव, जो एंट्री है पानी की वो कहाँ पर है, फेरिंग्स की तरफ डालेगा और वो कंटिन्यूस रहेगा पोस्टीरियरली इनटू द इसोफेगस। लिवर, बाइल डक, गॉल ब्लैडर एंड किडनी इसके अंदर पाए जाते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी, जैसे मैंने बताया, जिसके अंदर हार्ट इनक्लोज रहेगा, वो पेरिकार्डियल कैविटी कनेक्ट करेगी सिलोम से। पेयर्ड आइज रिमेन हिडन अंडर द थिक स्किन एंड मसल्स, मोटी त्वचा और मांसपेशियों के नीचे आंखें, यहाँ पर इसकी जो पेयर्ड आइज है वो एम्बेडेड रहेगी या हिडन रहेगी। अनपेयर्ड मीडियन पीनियल आइज वेल डेवलप एंड नेसल सेक्स आर पुअरली डेवलप, इसके अंदर जो नेसल सेक्स है वो वहाँ पर पुअरली डेवलप्ड पाए जाएंगे। तो ये एक जर्नलाइज्ड एमोसीट लार्वा है जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर शो कर रहा है। आप इसमें देख सकते हैं 7 पेयर्स के गिल्सलेट्स पाए जा रहे हैं, फेरिंग्स इसके अंदर मार्क्ड है, प्लस इसोफेगस, इसके अंदर डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन, प्लस एनस इसके अंदर मार्क है, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड इसके अंदर पाई जाएगी टेल रीजन में। अगर हम हेड रीजन की बात करें तो वहाँ पर ओरल हुड जो सेमी सर्कुलर पाया जाएगा, ओरल हुड के वहाँ पर आप देख सकते हैं बिहाइंड द ओरल हुड देयर इज अ वेलम, उसके बाद एंडोस्टाइल एंड ओरल पैपिली यहाँ पर पाए जा रहे हैं। मीडियन नॉस्ट्रल्स भी पाई जा रही है, जैसे हमने बताया मीडियन नॉस्ट्रल्स भी यहाँ पर पाई जाएगी। तो ये एक जर्नलाइज्ड एमोसीट लार्वा है डायग्राम विच इज शोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब मेटामॉर्फोसिस की, के कार्यांतरण जो एमोसीट लार्वा में पाए जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स आएंगे। इट इज़ अ ड्रामेटिक चेंज इन हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ लार्वा। ये अपन कह सकते हैं उसके निवास की, जो उसकी आकृति विज्ञान है, शरीर विज्ञान और लार्वा के व्यवहार में एक अलग से चेंजेस हमें दिखाई देंगे। सो दैट इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एडल्ट विथ एंटायरली डिफरेंट हैबिट एंड स्ट्रक्चर। ये सारे चेंजेस के बाद हम कह सकते हैं कि इसका जो एडल्ट फॉर्म है वो एंटायरली डिफरेंट होगा, उसकी हैबिट में भी एंड प्लस उसके स्ट्रक्चर में भी। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग लार्वल लाइफ फ्रॉम फॉर 3 to 7 ईयर्स, एमोसीट अंडरगो सेवरल रेडियल स्ट्रक्चर चेंजेस टू मेटामॉर्फोसिस इन टू द सेमी पैरासिटिक एडल्ट फॉर्म। इनकी जो लार्वल स्टेज अपन कह सकते हैं या पीरियड कह सकते हैं वो लगभग 3 to 7 ईयर्स तक चलती है। उसके बाद जो एमोसीट है इट अंडरगो सेवरल रेडियल स्ट्रक्चरल चेंजेस टू मेटामॉर्फोसिस इनटू अ सेमी पैरासिटिक एडल्ट फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग हम माउथ रीजन से करें तो ओरल हुड इज रिप्लेस्ड बाय अ बकल फनल। इसका जो ओरल हुड है जो हमने देखा डायग्राम में सेमी सर्कुलर ओरल हुड पाया जाता है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा बाय अ बकल फनल विथ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ, टंग, राउंडेड माउथ एंड कॉम्प्लेक्स मस्कुलेचर। बकल फनल में चेंज होते ही ओरल हुड उसके अंदर स्ट्रॉन्ग और शार्प टीथ आ जाएंगे, टंग आ जाएगी, राउंडेड माउथ हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मस्कुलेचर वहाँ पर पाए जाएंगे। ये एक जर्नलाइज्ड जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है उसके अंदर जो एमोसीट लार्वा है इट अंडरगो सेवरल रेडियल चेंजेस, जैसे मैंने बताया वो एक सेमी पैरासिटिक एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये मैंने मार्क भी करा है एमोसीट लार्वा, इसकी जो फेजेस हैं वो मेटामॉर्फोसिस के तौर पर हम कह सकते हैं उनके अंदर एक हैबिट, उसकी हैबिटेट, उसकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और बिहेवियर, ये सारा मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस है उससे वो क्या है चेंज होकर एक एडल्ट के फॉर्म में, सेमी पैरासिटिक एडल्ट के फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। तो एक जर्नलाइज्ड डायग्रामेटिक व्यू है जहाँ पे एमोसीट लार्वा का बताया है कि वो कैसे रेडियल स्ट्रक्चर चेंजेस आते हैं, प्लस मेटामॉर्फोसिस का बताया कि मेटामॉर्फोसिस जब कार्यांतरण होगा तो उसके अंदर उसकी हैबिट, हैबिटेट, उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी बॉडी की वो चेंज हो जाएगी और वो एक एडल्ट, सेमी पैरासिटिक एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। हिंदी में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं एमोसीट लार्वा की मेटामॉर्फोसिस में इनका स्किन कलर चेंज हो जाता है, ओरल हुड और ओरल हुड चेंज हो जाएगा, वहाँ पे बकल फनल आ जाएगा जिसके अंदर गोल मुख, मांसपेशियाँ आ जाएगी, टंग आ जाएगा, टीथ आ जाएंगे। जैसे हमने इंग्लिश में जो लिखे हैं पॉइंट्स वो सारी आप हिंदी में यहाँ से लिख सकते हैं। गिल चैम्बर में गिल्स विकसित हो जाते हैं,
नेत्र पर स्थित जो आवरण है वो हट जाता है और ये क्रियाशील हो जाते हैं, अब ये फंक्शनल हो जाएंगे। पहले वो फंक्शनल तौर पे यूज़ नहीं आ रहे थे, अब वो वहाँ पर क्या है, क्रियाशील हो जाते हैं। डॉर्सल फिन जो एमोसीट में पाई जाती है, वहाँ पे अब दो फिन्स वहाँ पे आ जाएंगी। जैसे हमने पेट्रोमाइजोन में पढ़ा था डॉर्सल फिन 1 एंड डॉर्सल फिन 2, दो डॉर्सल फिन आ जाती है। और इसके अंदर सिलोम जो बात करें वो भी पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये एक जर्नलाइज्ड पॉइंट्स हैं जो एमोसीट लार्वा के कारांतरण में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो एंडोस्टाइल जो है वो चेंजेस इनटू थायराइड ग्लैंड बिलो दी फेरिंग्स, जो एंडोस्टाइल पाई जा रही है वो चेंज हो जाती है, थायराइड ग्रंथि में आ जाती है जो पाई जाएगी फेरिंग्स के नीचे। वेलम बिकम्स रिड्यूस टू गार्ड द ओपनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी फेरिंग्स ओनली, जो वेलम पाया जा रहा है जो वाटर का जो रोक रहा था, गार्ड कर रहा था, इट बिकम्स रिड्यूस एंड इट गार्ड द ओपनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी फेरिंग्स। ईसोफेगस सेपरेट्स फ्रॉम दी रेस्पिरेटरी फेरिंग्स विच बिकम्स अ ब्लाइंड सेग। ईसोफेगस सेपरेट हो जाता है रेस्पिरेटरी फेरिंग्स से और एक ब्लाइंड सेग के तौर पर एक अंधी थैली बन जाएगा ये। गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट डिसअपेयर, पित्ताशय और पित्त नली यहाँ पर डिसअपेयर हो जाएंगी। गिल्स डेवलप्स इनटू गिल पाउचेस, जो गिल्स हमने देखी थी वहाँ पर ये गिल पाउचेस में चेंज हो जाएंगी। एंड जो पेयर्ड आइज है बिकम अनकवर्ड एंड फंक्शनल, जैसे मैंने अभी पॉइंट्स बताए हिंदी में कि जो पेयर्ड आइज है वो अनकवर्ड हो जाएगी और फंक्शनल तौर पर वहाँ पर यूज में ली जाएगी। सिंगल मीडियन नॉस्ट्रल शिफ्ट टू द टॉप ऑफ द हेड, वहाँ पर जो हमने एमोसीट लार्वा पढ़ा था कि मीडियन नॉस्ट्रल पाया जा रहा है, अब वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टू द टॉप ऑफ द हेड पर। नेजल सैक बिकम्स फोल्डेड इंटरनली, जो नाक की थैली है वो आंतरिक रूप से वहाँ पे मुड़ जाएगी, मुड़ी हुई हो जाती है। कंटिन्यूअस डॉर्सल फिन बिकम्स डिवाइडेड इनटू टू, निरंतर जो पश्चीय पक्ष है वो दो में विभाजित हो जाएंगे, डॉर्सल फिन 1 और 2 दो में ये डिविजिबल हो जाएंगे। पेरिकार्डल कैविटी बिकम्स कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम सिलोम, हमने सिलोम की बात कही थी वो अलग से पृथक हो जाते हैं, तो जो पेरिकार्डल कैविटी है वो कम्प्लीटली कट हो जाएगी सिलोम से, जिसके अंदर हार्ट इनक्लोज्ड था वो कट ऑफ हो जाएगी सिलोम से। स्पाइनल कॉर्ड बिकम्स डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, वो चिपटा हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। और जो स्किन कलर है, जो मेन चेंजेस इसमें हम देखेंगे मेटामॉर्फोसिस में, कि स्किन कलर चेंजेस फ्रॉम येलो ब्राउन टू मोल्डेड ग्रीनिश ब्राउन, मतलब हरे भूरे रंग में ये बदल जाते हैं। तो ये चेंजेस मेटामॉर्फोसिस में हम एमोसीट लार्वा के अंदर देख पाएंगे। ये एक जर्नलाइज डायग्राम जहाँ पर बताया है कि एमोसीट लार्वा कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन साइक्लोस्टोमेटा एंड सेफेलोकॉर्डेट्स। इसके अंदर दो तरीके के माइग्रेशन, ये कभी 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस माइग्रेशन जो फिशेस के अंदर पाए जाते हैं, माइग्रेशन के अंदर पाए जाते हैं। तो एनाड्रोमस की अगर हम बात करें तो फीमेल पेट्रोमाइजोन में पाया जाएगा ये। एनाड्रोमस बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये समुद्र में रहेगी लेकिन ये प्रजनन के लिए ये फ्रेश वाटर से मराइन वाटर में जाते हैं, उस माइग्रेशन को कहेंगे एनाड्रोमस। और यहाँ कैटाड्रोमस की बात करें तो ये एमोसीट लार्वा में पाया जाएगा, ये मीठे पानी में रहते हैं लेकिन प्रजनन के लिए समुद्र के खारे पानी में जाते हैं, मतलब फ्रेश वाटर से मराइन वाटर में जाने का मतलब होता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तो एमोसीट लार्वा बेसिकली हम अभी जो पढ़ रहे हैं टॉपिक उसके अंदर कैटाड्रोमस तरीके का माइग्रेशन होता है। डेफिनेशन तो अब 1 मार्क्स में ये पूछ लेते हैं, तो आपको दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस माइग्रेशन। लास्ट जो मेटामॉर्फोसिस के पॉइंट्स होंगे कि जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस द यंग लैम्प्रे दे स्विम डाउन टू सी वेयर दे रिमेन फॉर 3 to 4 years बिफोर रीचिंग मैच्योरिटी, मतलब जैसे मेटामॉर्फोसिस है उसके पश्चात जो ये जल में ही रहेंगे, यंग जो लैम्प्रे हैं वो स्विम करेंगे, स्विम डाउन टू द सी, जहाँ पे वो 3 से 4 साल तक रहते हैं जब वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाते, अपन कह सकते हैं दे बिफोर रीचिंग टू दी मैच्योरिटी वो वहीं पर स्टे करेंगे। तो ये एक लास्ट है मेटामॉर्फोसिस का कि एमोसीट लार्वा में जब पूरी तरीके से ये एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, मेटामॉर्फोसिस हो जाएंगे, तब वो जो यंग लैम्प्रे है वो सी के अंदर ही रहेंगे 3 से 4 साल तक, जब तक वो पूरी तरीके से मैच्योरिटी अटेन नहीं कर लें।
लास्ट कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पेट्रोमाइजोन लार्वल फॉर्म इज सीन, जिसे हम कहते हैं पेट्रोमाइज एमोसीट लार्वा। ये एमोसीट लार्वा एग्जिबिट करेगा स्ट्रिकिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन एम्फियोक्सिस, इट इज वेरी प्रिमिटिव एंड जर्नलाइज्ड वर्टिब्रेट, मे बी रिगार्डेड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फियोक्सिस एंड साइक्लोस्टोम। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इट मे बी रिगार्डेड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फियोक्सिस एंड साइक्लोस्टोम। सो टुडे वी हैव कम्प्लीटेड एमोसीट लार्वा एंड वी हैव कम्प्लीटेड दिस यूनिट, जो यूनिट सेकेंड है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।